उपायुक्त देव श्वेता बणिक ने आज गृह पृथक वास होम आइसोलेशन में चल रहे कोविड 19 संक्रमितों के घरों का दौरा कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति एवं अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने टौणी देवी ग्रामीण क्षेत्र के टपरे स्लोट एवं भरनांग इत्यादि गांवों में पृथक वास की अवधि में रहने वाले संक्रमित व्यक्तियों से मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर उनका मनोबल बढ़ाया। देव श्वेता बणिक ने कहा कि पृथक वास कर रहे लोग स्वयं को बिल्कुल अकेला महसूस न करें और सरकार सहित जिला व स्थानीय प्रशासन तथा विभागीय अधिकारी उनके साथ हैं। सभी जिला वासियों की दुआएं भी उनके साथ हैं और वे शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पृथक वास के दौरान कोविड 19 संबंधी नियमों का अक्षरश पालन करें। घर में आइसोलेट व्यक्तियों की सहायता के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 1077 भी जारी किया गया है। इस नंबर पर सप्ताह के सातों दिन 2400 घंटे चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। ऐसे में अगर पृथक वास के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता महसूस होती है तो वे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर भी चिकित्सा अधिकारी या निगरानी अधिकारी से सलाह अथवा सहायता ले सकते हैं। उपायुक्त ने संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल करने वाले परिजनों से भी आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी परामर्श का अवश्य पालन करें और कोविड 19 महामारी के संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक तौर पर उपमंडल एवं खंड स्तर पर भी निगरानी दल गठित किए गए हैं और उन्हें गृह पृथक वास में रहने वाले संक्रमित लोगों की निगरानी एवं उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधि भी ऐसे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल एवं स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित थे। आज हमने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की उनके घर में जाके जो खुद कोविड पॉजिटिव हैं और उनका थोड़ा सा हालचाल पूछा। हम कोशिश की अपने तरफ से कि थोड़ा उनको हौसला दें। कई बार लोग अपने आप घर में होम आइसोलेटेड रहते हैं तो कोविड के समय में थोड़ी हिम्मत कम हो जाती है या घबराने की ऐसी स्थिति आती है, तो हमें लग रहा था कि ऐसे कई लोग होंगे जो थोड़ा सा उनको हौसले की ज़रूरत है। शायद हम भी थोड़ा सा आश्वस्त फील करेंगे कि अगर वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें, तो इसीलिए यहाँ पे आज हमने बमसन ब्लॉक के कुछ ऐसे पंचायतें उनमें जो लोग पॉजिटिव हैं उनके घर में थोड़ी उनसे जाके बाहर से ही उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन किया, उनके फैमिली मेम्बर से इंटरेक्शन किया। अभी तक जितने लोगों से मैं मिली हूँ तो वो सभी लगभग ठीक हैं, उनका स्वास्थ्य सामान्य है अभी तक, और उनको हमारे जो भी हमारे नेटवर्क है आशा वर्कर डॉक्टर्स की, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स की, उनके बारे में भी हमने बताया है। और साथ में सबसे अच्छी बात है कि हम जहाँ जहाँ गए उस पंचायत के प्रधान भी हमारे साथ जुड़े, वो खुद जो है एज गाइड हमारे साथ उन सभी घरों में गए और उन सभी को ये बताया गया कि कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हमारे ब्लॉक के सब डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो सभी आपके साथ हैं और कोई भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे, घबराए ना। और इसीलिए हमने थोड़ा सा संदेश देने के लिए भी आज ये विजिट्स की कि सारे लोग होम आइसोलेशन में जो हैं, हम फिजिकली आपके साथ इस समय पे नहीं हो सकते क्योंकि कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें जो है आइसोलेशन ज़रूरी है बचाव के लिए, लेकिन हम स्पिरिट से सबके साथ जो हैं हम साथ में ही हैं और सभी जो है मैं आशा करती हूँ बहुत जल्द ठीक होके बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।